हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम भगत यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईपी यूनिवर्सिटी रिज़ल्ट काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट के बारे में। और रिज़ल्ट जो है कल डिक्लेयर होगा, कल किसी टाइम में डिक्लेयर हो सकता है। और रिज़ल्ट अभी तक डिक्लेयर इसलिए नहीं किया गया, आप अगर नोटिस एंड सर्कुलर में आइएगा तो मैं बताऊंगा। उसके अलावा रिज़ल्ट और काउंसलिंग प्रोसेस और सीट अलाइनमेंट के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। और डिटेल्स वीडियो में हर एक टॉपिक में एक एक करके अपने चैनल पर डालते जाऊँगा, आप उसको देख लीजिएगा। उससे पहले क्या कुछ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको जब काउंसलिंग प्रोसेस कीजिएगा उसको पहले से आप जो है तैयार करके रखिएगा, मैं बता दूंगा आपको। जैसे कि उनका काफ़ी सारा, चाहे पीएचडी का हुआ या आप इसको देख सकते हैं अगर हर रोज़ आप विजिट करते हैं तो, पीएचडी का एडमिशन से रिलेटेड या उनका जितना भी सारा एग्ज़ाम्स होता था बीबीए का एमबीए का, तो काफ़ी सारा उनका जो रिज़ल्ट है डिक्लेयर करना हुआ तो ये भी एक वाइटल काम था उन लोगों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम था। तो इसी के वजह से जो है रिज़ल्ट डिले हो रहा है थोड़ा सा। ऐसा नहीं है जो आपका रिज़ल्ट और बाकी रहा काउंसलिंग प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस इसलिए आपको मैंने मना किया था क्योंकि आपको अगर रैंक ही नहीं पता हो तो आप कैसे काउंसलिंग कीजिए, कौन सा कॉलेज आप चूज़ कीजिएगा, तो ऐसा ही कुछ था। और देखिए, जब रिज़ल्ट मान लीजिए मैं आज आपका रिज़ल्ट आ गया, ठीक है, उसके बाद आप काउंसलिंग प्रोसेस में जाइएगा। काउंसलिंग प्रोसेस के रिलेटेड आपको अगर काउंसलिंग प्रोसेस में मैं आता हूँ उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके अलावा जैसे कि MBA IT का, ठीक है, BSc नर्सिंग, MA इंग्लिश, LLB MCA BTech, BCom हॉनर्स, BBA MBA, बी एड स्पेशल जितने कोर्सेज हैं सबका रिज़ल्ट कल आ सकता है, ठीक है, कल सबका रिज़ल्ट आएगा अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग में क्लिक करते हैं। और एक चीज़ जो था, मीन्स मान लीजिए कि अगर मुझे अपना नंबर चेकआउट करना था तो मैंने इसलिए नहीं कर पाया, मुझे अगर चेकआउट करना था तो मुझे फाइव डेज के अंदर अंदर जब भी रिज़ल्ट डिक्लेयर, मीन्स आपका ऑब्जेक्शंस करने का टाइम होता है 5 डेज, ठीक है, उसके बीच में मैं अगर नहीं करता हूँ अपना ऑब्जेक्शंस या मैं नहीं चेक करता हूँ तो मैं रिज़ल्ट भी अपना नहीं देख पाऊँगा, कुछ भी नहीं देख पाऊँगा। तो ऐसे में क्या होता है, अगर आप चेक भी नहीं करते हैं खुद से तो कोई दिक्कत नहीं, आप जब भी नेक्स्ट टाइम रिज़ल्ट आपका रैंक कार्ड आएगा तो उसमें हर एक सेशन वाइज आपका नंबर दिखाया जाएगा, नंबर आपका रहेगा और रैंक कितना सिक्योर किया है आपने वो भी रहेगा। तो कोई टेंशन का बात नहीं है कि आपने देखा नहीं या ऑब्जेक्शन नहीं किया, अगर मैं नहीं दिखता हूँ तो कोई भी दिक्कत नहीं होता। मैं बेसिकली अगर मैं एग्ज़ाम देता, अगर मैं ना भी देखूँ तो इसमें कोई भी आपका इशूज़ नहीं होता। मीन्स मैं जब रिजल्ट आता मैं उसी के बेसिस पे मैं काउंसलिंग को स्टार्ट करता अपना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से MCA के रिलेटेड एक दिखा देता हूँ आपको। आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट में आना है, ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद न्यू कैंडिडेट रजिस्टर जो है इसमें न्यू कैंडिडेट में रजिस्टर करना है क्योंकि आपका पहले से नहीं होगा यहाँ पर। अब जब न्यू कैंडिडेट के रिलेटेड आप जब रजिस्टर बटन में क्लिक करते हैं तो आई एग्री में क्लिक करके अपना जो CT का एप्लीकेशन नंबर है उसको डालना है, कैंडिडेट नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डालना है, उसके बाद सिक्योरिटी पिन डाल के इसको जो है आपको सबमिट कर देना है। तो ID पासवर्ड आपको और भी काफ़ी कुछ आपको मेल के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है, मेल के थ्रू मिल जाएगा और जब भी रिज़ल्ट आएगा आपको मैं बता दूंगा। और इसके अलावा इसको तभी आईपी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आते हैं, मान लीजिए मैंने JEE का एग्ज़ाम दिया, नीट का एग्ज़ाम दिया और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स मैंने दिया, मेरे दूसरे कई अच्छे इंस्टीट्यूट्स में नहीं हो पाए और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में चाहिए वो भी कम फीस में, तब आते हैं स्टूडेंट्स IP यूनिवर्सिटीज़ में। मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा, मतलब ये फैक्ट होता है। और IP यूनिवर्सिटी का अगर BTech का मैं बताऊं तो ऑन एन एवरेज आपका एवरेज मीन्स एक 8 लाख का एवरेज पैकेज हो जाता है BTech में, ठीक है। और इसके अलावा काफ़ी सारे ब्रांचेस में एवरेज काफ़ी अच्छा पैकेज होता है। और इसके अलावा जब काउंसलिंग के इसमें जब क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लगता है काउंसलिंग में बताता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी BBA का आपको दिखा रहा हूँ जो स्टार्ट हुआ था 25th of September से एंड हो जाएगा 10th of October तक। जब भी एंड होता है, जिस टाइम जो एंड होगा, एंड होने के साथ साथ आपका मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट के आप काउंसलिंग कीजिएगा, सॉरी एंड होने काउंसलिंग जब भी एंड हो जाएगा मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट के आप जब भी आ जाएगा तो आपका सीट अलॉटमेंट होगा। और सीट को अगर फीस करने के लिए आपको 14,000 जो है आपको पे करना होगा। 14,000 पे इसलिए करना होता है, कॉलेज का फीस होता है, आपको कॉलेज के जो फीस होगा वो अलग से आपको जो है
देना पड़ेगा। फास्ट काउंसलिंग का जो भी पेमेंट फीस या अलॉटमेंट सीट्स का जो भी है, अभी अभी नोटिफाई कर दूंगा मैं, ऐसा ही कुछ है। और उससे पहले क्या कुछ आपको जो डॉक्यूमेंट्स होंगे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट पहले बता देता हूँ, उससे एक अलग शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा। हालांकि मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको कैसे जो काउंसलिंग को स्टार्ट करना है। अगर कोई दिक्कत होता है तो मुझे काउंसलर बता सकते हैं। और मुझे कुछ टाइम पहले एक मुझे एक कैंसिल चेक रिलेटेड आया था। कैंसिल चेक वही होता है, आपके पास जो चेक है उसे वो कैंसिल करके सिर्फ अपलोड कर देना होता है। और रजिस्टर स्लिप रहेगा आपको, एडमिट कार्ड लगेगा, ऑरिजिनल मार्कशीट लगेगा, सर्टिफिकेट अगर आपके पास है कास्ट सर्टिफिकेट का ऐसा कुछ, ठीक है। और यही सब था सिंपल। अगर इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है तो मुझे काउंसिल बता सकते हैं। आप अगर कट ऑफ देखना चाहें तो BBA, MCA, LLB, BCom के रिलेटेड डेली रिजन के लिए लास्ट गया था BBA के लिए 2083 और से डेली के लिए गया था 20,055 और MCA के लिए 3,410 2,141। तो अकाउंट अकाउंट सब्जेक्ट आप इसको चेकआउट कर सकते हैं आप अगर इसको देखना चाहते हैं तो। काउंसलिंग फी आपको 1,000 रुपये नॉन रिफंडेबल आपको होता है, उसका चॉइस फिलिंग होता है, उसका सीट अलॉटमेंट होता है, मैं इसलिए आपको बता दिया था। इसके अलावा और कुछ जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।